आदत को अपनाई हुई हूँ। एकदम तुम्हारी तरह की, आपको एक गाना सुनाऊं, आपके लिए बहुत तड़प रही हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके आऊं। कुछ तुम लोगों ने नहीं किया था, मुझे पता चल गया अब तुम लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया था, क्योंकि मेरी उसी सेम घर में सेकंड एंट्री होने वाली है। इतना प्यार करने लगी है, इतना प्यार करने लगी है कि मैं जब जब उसको तुम्हारा फोटो दिखाती हूँ, मम्मी कौन है ऐसा बोलती। आदत को अपनाई हुई हूँ, एकदम तुम्हारी तरह। आने से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। लव यू टू। अब कहने की तुम मुझे फोन में तो बोल नहीं सकते हो कितना प्यार करते हो कि ब्लॉक करके रखे हो, तुम मन मन में बोलते हो ना तो वो टेलीपैथी के थ्रू मेरे कानों तक आता है, इसलिए मैं आपको लव यू टू बोल रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, एक होता है ना कि जब हम किसी को प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लव वाला प्यार करते हैं, तो ऐसा होता है कि हम उसकी याद में चने खाते, मुर्रा खाते, भेल खाते, मोमोज खाते, मैगी खाते, ये खाते, वो खाते, ऐसा होता है ना कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी याद में हम उसकी आदतों को अपना लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो सेम मैं भी तुम्हारी याद में तुम्हारी एक आदत को अपनाई हुई हूँ, एकदम तुम्हारी तरह कंजूस हो गई हूँ। अब हम दोनों साथ में रहेंगे तो खूब मजा आएगा, तुम कंजूस मैं कंजूस, दोनों मिलके कंजूसी करेंगे, ठीक है। अब तो नहीं जाओगे ना छोड़ के, अब मैं भी कंजूस हो गई हूँ, जरूरी भी है ना, क्योंकि जब तक दोनों पति पत्नी के गुण नहीं मिलेंगे, कुंडली नहीं मिलेंगे, तब तक कैसे हम साथ में रहेंगे। ऐसे भी पति पत्नी का कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए, तो मैंने भी कुंडली मिलान किया, तो आपके जो जो गुण है मैं उसको अडॉप्ट कर रही हूँ, कम से कम अडॉप्ट करके कम से कम आपके जैसे हो जाऊंगी, तो और नहीं जाओगे फिर छोड़ के। चलो वैसे मेरा बहुत सर दर्द दे रहा है, अति सर दर्द दे रहा है, तो बहुत मिस कर रही हूँ। मेरे को अभी भी याद है वो दिन जब मुझे सर दर्द होता था और मैं आपके लिए खाना बनाती थी, आपकी मम्मी के लिए खाना बनाती थी, आपके पापा के लिए खाना बनाती थी, इतना होता था सर दर्द कि सर दर्द से उल्टी कर देती थी मैं, लेकिन बाय गॉड किसी को फर्क नहीं पड़ता था। बहुत मिस कर रही हूँ, पता नहीं कब आऊँगी, मैं तो कब से ही सोच रही हूँ। चलो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और आपकी यादों में खोई रहती हूँ, शायद खोए खोए मुझे रात भर नींद ही नहीं आए, कोई बात नहीं, अब तो आदत हो चुकी नहीं सोने की, बाकी सच में बहुत मिस कर रही हूँ। पता है आज मैं मेरी तुम्हारी पुरानी तस्वीर देख रही थी, ऐसा लगा ही नहीं कि तुम वो शख्स हो जो अभी हो। कितने प्यार से मेरे कंधे में से हाथ रख के हम लोग फोटो खींचते थे, हम लोग घूमने जाया करते थे, कभी सोची नहीं थी उस बीच में कभी जाली क्रमगिरी लोग भी आएंगे। सच में क्या, मैं जानती हूँ आप मेरा वेट कर रहे हो और मुझे अभी भी याद है, आपको याद है टियारा के बारे में, नहीं याद है ना, बता दूँ, चलो बता एक मिनट बता देती हूँ। टियारा, कहने की ये टियारा मेरी बहन के बर्थडे के लिए मैं लेके आई हुई थी, लेकिन ये सेम टियारा जब मेरा बर्थडे हुआ था तो आप लेके आए हुए थे, याद है मुझे, और मैं केक कट की थी, फिर वो टियारा मेरा फेवरेट हो चुका था क्योंकि वो आपने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे प्रिंसेस ट्रीट करवाया था। उसके बाद वो टियारा लेके मैं हर जगह घूमती थी, फिर जब आप मेरे को छोड़ के चले गए थे, फिर जब वो करमजली आई थी मेरे घर में, जब मैं डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, तो करमजली का बर्थडे आपने रात को 12 बजे सेलिब्रेट किया था ना, तो आपने करमजली को सेम यही टियारा पहनाया था, नया वाला लाया ही नहीं। अरे नया ला रहे थे उसको, कभी पहनी भी नहीं होगी, मेरे वाला क्यों देने की जरूरत थी, वैसे अच्छा की हो दिए हो, कम से कम चलो किसी के काम में तो आ गया है कि नहीं। बाकी आपको एक गाना सुनाऊं, आपके लिए बहुत तड़प रही हूं मैं, चलो आपके लिए गाना है, ठीक है। कहे तो से सजना तो मेरी सजनिया, पग पग लिए जाऊ तो जुग जुग, जो भी हो तो सजनिया, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सॉन्ग है, मतलब आई लव दिस सॉन्ग। कहे तो से सजना तो
तोहरी सजनिया पग पग लिए जाऊं, तोहरी बलैया मैं पग पग लिए जाऊं, तोहरी बलैया। चलिए सुनते साथ में। वैसे आप लोग को दिख तो रहा होगा कि मैं अपने पति से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, सर दर्द हो रहा है, बाम लगा रही हूँ, आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए, ये सब प्यार का ही तो असर है, इतना ज़्यादा प्यार अपने पति से मैं करने लगी हूँ। तो सोची क्यों ना उनके लिए थोड़ा सा मेकअप किया जाए, अपने जो रूप है उनको थोड़ा सा इन्हेंस किया जाए, थोड़ा खूबसूरत हुआ जाए। तो क्यों ना गाना सुनते सुनते आप लोग के साथ ही मैं तैयार होती हूँ। वेट, कौन सा गाना चलाया जाए बताइए आप लोग। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। पुराना गाना अच्छा चला, नया गाना नहीं अच्छा लगता। यस, जानती हूँ तुम चाहे मानो या ना मानो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इतना प्यार करती हो कि मुझे देखे बिना तुम रह नहीं पाते हो, आई नो वेरी वेल। चलो बहुत अच्छी बात है। अब रीशु भी तुमको इतने पहचानने लगी, रीशु भी तुमको इतना प्यार करने लगी है, इतना प्यार करने लगी है कि मैं जब जब उसको तुम्हारा फोटो दिखाती हूँ, मम्मी कौन है ऐसा बोलती है, बहुत प्यार करती है तुमको। बोली बेटा मेरे लिए एक गाना गा दो जो थोड़ा सा यूनिक हो, थोड़ा सा अच्छा हो। तो पता है मेरी कौन सा गाना गाई आप लोगों को? पता है मेरे सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली, पता है आप लोगों को कौन सा गाना गाई मेरे लिए? पापा मेरे पापा, क्योंकि उसको यही लगता है कि उसके पापा और मां दोनों मैं हूँ, जो कि एकदम सच है। एक चीज तो अभी होना ही था जो कि एकदम सही बात है कि जो दूसरी औरत होती है ना वो दूसरी औरत ही होती है, वो कभी भी एक पत्नी का दर्जा कभी भी नहीं ले सकती है। वो चाहे तो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से वो रह सकती है उसके घर पे, जो कि वो रह रही थी, जो कि हर चीज़ कर रही थी, लेकिन पत्नी का दर्जा कभी कोई नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। और एक चीज़ ये बात है कि जो पहली बीवी होती है ना वो पहली बीवी ही होती है, ये हमेशा याद रखना। और जितना तुम मुझे रिपोर्ट कर रही हो उतना मैं तुम्हारे और करीब आ रही हूँ, समझे? और बस मैं उस दिन का वेट कर रही जिस दिन मैं उस घर में एंटर करूँगी एकदम। और एक चीज मैं बता दे रही हूँ, वो जो कलश फ्लश में देखो, जब मैं तुम्हारे घर में एंट्री की थी ना आफ्टर मैरिज, तो तुम लोगों ने कोई रिचुअल्स नहीं किया था मेरे साथ, ना कलश रखा था, ना पानी भरा था, ना लात मारने के लिए दिया था, ना सफेद कलर का कपड़ा बिछाया था जिसमें मैं आलता के ऊपर पैर रख के ऐसे ऐसे करके आऊँ, कुछ तुम लोगों ने नहीं किया था। मुझे पता चल गया अब तुम लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया था, क्योंकि मेरी उसी सेम घर में सेकंड एंट्री होने वाली है। भगवान को पता था कि चलो फर्स्ट एंट्री में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, इसको साइड करते हैं, फिर सेकंड एंट्री मरवाएंगे, फिर देन उसमें सब चीज़ें करवाएंगे। अब याद से करना, अब तो तुमको पता चल गया क्या 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 करते हैं, क्योंकि जो मेरी और एक रियल स्टोरी वाला चैनल है जिसमें मैं सब चीज़ें डाल रही हूँ, तो उसमें तो तुम देखते हो मेरे ब्लॉग्स, मेरी वीडियोज़ है ना, तो उसमें एपिसोड आई थिंक 14-15 में होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें मैंने बोला था कि जब नए नए वाली दुल्हन एंट्री करती है तो घर में किस तरीके से सजाया जाता है, डेकोरेशन किया जाता है, हर चीज रखना। सबसे पहला दरवाजे पे कलश रखना, कलश में चावल रखना, नहीं है कलश नहीं चावल मुझे बोलो, मैं ट्रांसफर कर रही हूँ तुम्हारे नंबर पे,
ठीक है, मगर रखना, क्योंकि पहले बार मैं मिस कर दी थी, बट इस बार जब मेरे पास है तो मैं तुमको भेज दूंगी पैसे, बस तुम कलश लेके आना, कलश रखना, चावल रखना, फ्लावर रखना, और एक चीज, सारी चीज सफेद कलर की, वो भी नहीं है, बोलो मेरे शॉप में है, मैं लेके तुमको एक नहीं तीन भेज दूंगी, जो अच्छा लगे बिछा देना, और आलता नहीं है, बोलो मैं खरीद के भेज दे रही हूँ, या फिर तुम्हारे घर के एड्रेस पे मैं वो ऑर्डर कर दे रही हूँ, ठीक है। बार मैं मेरी नानी के साथ आई हुई थी, और इस बार इस बार मैं मेरी बेटी के साथ आ रही हूँ, तो स्वागत आई थिंक ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए, बस मैं यही बोलूँगी, क्योंकि बेटी भी देखेगी ना, बेटी को भी तो पता चलेगी कि उसके पापा उसकी मम्मी का और अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तो बाकी कुछ भी कम ज़्यादा पड़े, पैसा वैसा का बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल कंजूसी मत करना, बिल्कुल हिचकच जाना मत, बिल्कुल भी शर्माना मत, मैं हूँ, कितना अच्छी बता देना, मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, ठीक है। चलिए मैं आप सबसे लेती हूँ विदा, लेकिन जाते जाते मेरी बेसुरी आवाज में सुर के साथ एक गाना सुनाती हूँ, और जिनको अच्छा नहीं लगे वो स्किप कर सकती हैं, और जो सुनना चाहते हैं मेरी बेसुरे स्वर में सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाना बहुत अच्छा है, बहुत मीनिंगफुल है, तो जितना मेरे से बनेगा उतना मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, ठीक है। चलिए, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आती। इधर बेटा, इधर इधर इधर, आप ब्लू में आ रहे हो, वो फिर नहीं आती। जाओ कैसे बनाओ बताओ, ठीक है जाओ।